तो देखिए एक सीक्रेट तरीका से अंडा बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही जल्दी बनेगा। तो यहाँ पे है प्याज, उसमें एक मिर्ची काट दिए हैं, यहाँ धनिया का पत्ता है गार्निश करने के लिए, ये नमक है और ये गरम मसाला है और यहाँ धनिया पाउडर है, ये टमाटर है और ये मिर्ची के पाउडर है और यहाँ पे लहसुन का पेस्ट है और ये हल्दी पाउडर है और यहाँ अंडा है, ये बॉयल किया हुआ है अंडा और ये हमारा कढ़ाही देखिए गरम हो गया है। तो गरम हो गया है तो इसमें हम तेल डाल देते हैं और तेल डाल दिए हैं और तेल डालने के बाद इसमें हम अंडा फ्राई करते हैं। अंडा फ्राई हो रहा है देख सकते हैं, हो रहा है हमारा। और ये वाला एक आलू डाल देंगे हम, इसका ग्रेवी बहुत मस्त होता है। और देखिए ये हमारा अंडा रेडी हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें जीरा डाले हैं, देख सकते हैं इसमें जीरा है और अब इसमें प्याज डाल रहे हैं। सारा प्याज इसमें डाल लेंगे और प्याज में बस फ्राई होने देते हैं, देखिए यहाँ पर फ्राई होगा। तो देखिए अब इसे टमाटर डाल रहे हैं, जब टमाटर थोड़ा सा हो जाएगा तो फिर इसमें हम डाल देंगे और मसाला डालेंगे। तो देखिए हमारा टमाटर अब इसमें पूरा मेल्ट हो गया है, देखिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके सब मसाला, ये आलू डाल दिए, जो आलू एक आलू को मैं मैश करके ग्रेवी के लिए रखी थी वो है, देख सकते हैं इसका ग्रेवी बहुत ही अच्छा होगा। और ये लहसुन के पेस्ट मैं डाली हूँ और भी सारा मसाला मैं डाल रही हूँ इसमें। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा मसाला है और इसमें हम एक आलू मैश करके डाले थे, उसका ग्रेवी देख तो बहुत अच्छा लगता है, हो जाता है। और देखिए और ज़्यादा मसाला इसमें नहीं ऐड करते हैं, तो आप भी इस तरह से बनाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़ा देर इसको और करके थोड़ा देर और भुन जाएगा, फिर उसके बाद हम पानी डालेंगे। तो देखिए अब ये ग्रेवी में हम पानी डालेंगे, तो देखिए इसका कितना अच्छा ग्रेवी तैयार हो जाएगा और ये 5 मिनट में रेडी हो जाएगा बनके। देखिए तो ये ग्रेवी तैयार हो गया है, देख सकते हैं और ये कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें अंडा डाल देते हैं, एक डाल देते हैं और इसमें धनिया पत्ता भी डाल देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है और हमारा रेडी हो गया है बन के, एक उबाल होगा फिर हमारा रेडी हो गया। तो आपको कैसा लगा देख सकते हैं, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाय, और नेक्स्ट रेसिपी कमेंट करके बताइएगा कि क्या बनाएं। थैंक यू।